अरे अरे कितना सुंदर जंगल है, कितना हरा भरा है और कितना अच्छा लग रहा है। अगर यहाँ पर धरती फट जाए तो क्या होगा? हिरन ये बात सोच रहा होता है। थोड़ी ही देर बाद वहाँ पर जोरों से आवाज आती है। आवाज सुनकर हिरन भागता है। भागो भागो, धरती फट गई है, धरती फट गई है, भागो यहाँ से भागो। अरे सुनो भाई, क्या बात है, कहाँ भागे जा रहे हो? अरे भाई जल्दी से भागो, यहाँ पर धरती फट गई है, तुम भी मेरे साथ भागो। उसकी बात सुनकर दूसरा हिरन भी उसके साथ भागता है। भागो 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 भागो। धीरे धीरे ये बात पूरे जंगल में फैल जाती है और सभी जंगल के जानवर इकट्ठे होकर खुसर फुसर करते हैं कि वाकई ही धरती फट गई है। इतने में वहां पर शेर आता है। अरे क्या बात हो गई है, सब इतना घबराए हुए क्यों हो? अरे महाराज बात ऐसी है कि जंगल में धरती फट गई है, इसलिए हम सभी जानवर सुरक्षित स्थान पर जा रहे हैं। किसने सुना? सभी जानवर एक एक कर सभी एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे थे कि उसने कहा उसने कहा उसने कहा। लास्ट में बात हिरन पर आती है। हिरन से पूछा जाता है कि कहां पर, अरे हिरन बताओ कहां पर धरती फटी है, हमें लेकर चलो। डरते डरते सभी जानवर वहां पर जाते हैं। जब सभी जानवर वहां पर जाकर देखते हैं तो वहां पर एक नारियल के दरख्त के ऊपर से एक नारियल टूटकर नीचे गिरा होता है। सभी जानवर उसे देखकर हंसने लगते हैं और कहते हैं कि इसकी जोर की आवाज़ सुनकर हिरन को लगा धरती फट गई है, तो इसने झूठे ही जंगल में शोर मचा दिया। हिरन को अपनी बातों पर बहुत पछताना हुआ और उसने माफ़ी मांगी। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी किसी की कही सुनी बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। आपको हमारी यह स्टोरी कैसी लगी ज़रूर बताएं। साथ ही चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि अच्छी अच्छी वीडियो और हम आप तक लेकर आते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।